काली मसूर की दाल बहुत टेस्टी होती है, रोटी में खाओ चाहे चावल में खाओ। तो एक कटोरी से एक कटोरी दाल रखी है मैंने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दाल को हम धो लेते हैं। तो दाल हमने धो दिया है 2-3 पानी से। अब इसको कुकर में गलाने रखेंगे, 4 से 5 सीटी लगाएंगे। तो दाल को हमने कुकर में डाल दिया है। इसमें डालेंगे 1 लोटा पानी गलाने के लिए। इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक। तो दाल हमारी गल गई है। अब हम बनाते हैं दाल का मसाला, छौंका लगाना है। तो मसाला बनाने के लिए 2 हमने छोटे छोटे प्याज काट दिए हैं, 2 हमने टमाटर काटे हैं, 2 तेज पत्ते हैं और यहाँ पर मैंने 4-5 कलियाँ लहसुन के काटे हैं और 3 मैंने लाल मिर्च रखे हैं और 2 हरी मिर्च काट के रखे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा गर्म हो गया, इसमें डालते हैं हम तेल। तो तेल हमारा गर्म हो रहा है तो इसमें हम डालते हैं 2 तेज पत्ता तड़का लगाने के लिए। इसमें डालते हैं जीरा, इसमें 2 लाल मिर्च, लाल मिर्च हमने निकाल दिए हैं। इनको बाद में दाल में डालेंगे। अब डालते हैं लहसुन। फिर प्याज डालते हैं। तो हमने हरी मिर्च काटे हैं, इनको भी डाल देते हैं साथ में। तो प्याज को हम अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं, उसके बाद डालेंगे टमाटर। तो प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, इसमें डालते हैं हम टमाटर। तो टमाटर को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं मसाला को बनाने में। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाता है। 2 चम्मच हमने नमक डाल दिया, 1/2 चम्मच डाल दी हल्दी और 1 चम्मच हमने मसाला रख दिया। सारे मिक्स मसाला है। तो मसाला अच्छे से पका लेंगे। काली मसूर की दाल बहुत टेस्टी होती है। दाल में चावल में खाओ चाहे रोटी में खाओ, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। और हमारा भुन गया, इसमें हमने लाल मिर्ची नहीं डाली थी, हम लाल मिर्ची डाल देते हैं 1 चम्मच। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें डालेंगे हम दाल। तो इसमें डालते हैं दाल। तो दाल हमारे गल गई है, गल गई हमारे
है अच्छे से, इसको हम इसमें डालते हैं मसाले में। देखिए बहुत अच्छा गल गया है, हम डालते हैं इसमें। तो दाल में हमने छौंका लगा दिया है, तो इसमें हम एक उबाल लगा लेंगे, उसके बाद दाल हमारा तैयार है। तो दाल हमारी उबल गई है, देखिए बहुत अच्छी दाल बनी है। तो गैस को हम कर देंगे बंद। तो धनिया हमने काट के रखा है, इसमें डालते हैं ऊपर से धनिया। गैस को करते हैं बंद। तो दाल हमारी तैयार है। तो दोस्तों दाल हमारी तैयार है, चाहे तो रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, बहुत अच्छी होती है दाल। चलिए सर्व करके दिखाते हैं। चावल के साथ हम दाल सर्व कर रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छी हमारी दाल बनी है, देखिए हमारी कितनी अच्छी दाल बनी है, टेस्टी। तो दाल में हम ऊपर से धनिया से गार्निश करते हैं। तो देखिए कितनी मस्त दाल बनी है हमारी, होटल जैसा। तो इस तरीके से एक बार बना के देखें दाल को, तो कमेंट में बताएं हमको कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ। सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए रेसिपी के साथ।